हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग आ रहे हैं IBW से रिटर्न। गोवा से निकले थे करीब कल सुबह 6:30 बजे, नासिक रुके थे रात को, और अभी पहुँचे हम लोग ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर, और ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे तो 170 किलोमीटर और बचा हुआ है इंदौर। और थोड़ा सा मन नाराज़ है, मन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि मेरी बाइक की का कुछ इशू है। गोवा में ही बैटरी का इशू हो रहा था, या पता नहीं बैटरी का था कि नहीं, गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। IBW के बाहर पार्किंग से निकलते ही धक्का मार के चालू करना पड़ा, फिर चालू हुई भी, फिर बीच में बंद हो रही है, फिर धक्का मार के चालू कर रहे हैं, फिर चल रही है, कभी कभी 2-3 बार चाबी घुमाते हैं और फिर बंद चालू करते हैं तो चालू भी हो जाती है, तो ये बार बार प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी भी धक्का मारा है, बीच में रुकी थी, तो अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, पता नहीं अभी चालू होगी कि नहीं, देखते हैं। इसके वजह से थोड़ा मूड ऑफ है, क्योंकि धक्का मारना पड़ता है। हमारा राहुल भाई का एनिवर्सरी है और धक्का मार रहे हैं आज मेरे लिए, हम दो ही लोग राइड कर रहे हैं। तो यहाँ से बस निकलते हैं, देखते हैं चालू होते कि नहीं। और बोलना चाहता हूँ कि BMW भाई, BMW मोटर आर्ट के लिए कुछ करो, क्योंकि आपको पता है मेरी बाइक की बैटरी 2 बार चेंज हो चुकी है, और भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो ये बार बार प्रॉब्लम आएगी तो लॉन्ग राइड पर दिक्कत हो जाएगी, और फिर रिलायबल नहीं लगता है तो फिर गाड़ी हम निकाल नहीं पाएंगे। बस ये रही मेरी बाइक, इसके मैंने टायर चेंज कर लिया, और मेरी बाइक ऑलमोस्ट 30,000 क्रॉस कर दी है कल आ जाते आते, सॉरी 30,000 किलोमीटर चल रही है। कुछ लूज़ हो गया है, नट निकल गया है, और एक ये चीज़ है कि नट भी बहुत उसका थ्रेड लॉक नहीं लगता है, तो लूज़ हो चुका है, उधर का निकल चुका है, इधर का भी निकला हुआ है। तो जब भी नट बूट लगाए तो थ्रेड लॉक के साथ लगाएंगे तो अच्छा है, वो पक्का रहेगा, निकलेगा नहीं चलते चलते। यहाँ पर हॉर्न लटका हुआ, बताइए हॉर्न लगाया है, कैसे लगाया है, किसने लगाया है, तो हॉर्न निकल गया है चलते चलते, तो यही सब प्रॉब्लम है। और बैटरी का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पहले भी गोवा की राइड पर गया, MPT राइड पर गया हूँ, MPT राइड पर तो 7 दिन धक्का मार मार के चलाया जैसे तैसे भाई, तो ये बार बार ऐसा लॉन्ग राइड पर इशू आएगा तो कैसे चलेगी अपनी गाड़ी, हम कैसे लॉन्ग राइड करेंगे। भाई 2 साल हो गए बाइक को और 30,000 किलोमीटर चला लिया है, और ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगा बाइक से, फिर इससे सोचना पड़ेगा मुझे, बैटरी का है या कुछ और इशू है। मुझे लगता है बैटरी का है, क्योंकि कभी उठा रही कभी नहीं, पहले भी हुआ है, तो बैटरी का इशू होता है, करंट मिलता है तो चालू हो जाती, नहीं तो नहीं होती है चालू। BMW तो है, और इलेक्ट्रॉनिक साइड से कुछ इशू है, बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूल पंप भी हुआ है चेंज मेरा, 2 बार हो चुका है, बैटरी 2 बार हो गया है, स्टार्टर हो गया, रेड बाय वायर हो चुका है, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा लगाता नहीं हूँ, बस एक लाइट लगाई हुई है जो काफ़ी टाइम हो गई है, जो देख सकते हैं, और जिसको भी मैं रेगुलर नहीं चलाता, जब ज़रूरत है तब चलाता हूँ, हाईवे पर चलाता हूँ, और सिटी में तो बिल्कुल नहीं चलाता, मुझे पता है लाइट भी ज़्यादा हो जाती है, इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है मुझे। पर ट्रिप रिव्यू बनाने का है बहुत दिन से मूड, अब तो 30,000 हो गया तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया मेरा इस बाइक पे, तो उसका भी मैं रिव्यू बनाता हूँ वीडियो, और यूट्यूब पर आपके चैनल पर डालूँगा, तो देखते रहिए। और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उसका अपडेट मैं करता हूँ कैसा क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ, क्या हो रहा है बाइक में मेरे, इसको टोटली चेक कराना पड़ेगा। सर्विस पे भी आ चुकी है, 4th सर्विस पे जाके सर्विस भी कराना है, तो चलिए मिलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, वहीं रेडी है, बाइक भी स्ट्रॉन्ग है, मस्त भगा भगा के आ रहे हैं हम लोग। हेलो गाइज, तो ये फिर बंद हो गई, चालू नहीं हो रही, ऐसा हो रहा है, बंद करके चालू करके भी देख रहा हूँ तो भी चालू नहीं हो रही, सर्विस
सर्विस में आ चुकी है। अब भाई धक्का मारेगा हमारा, धक्का मार, गोवा से धक्का मार के ला रहे भाई। ताला बना दिया, बताओ क्या रिव्यू है। चलो धक्का मारे पहले तो। फ्रेंड्स तो हो गई हमारी बाइक चालू, देख सकते हैं अभी चालू हो गई है। तो याद रखें जब भी धक्का मारे तो गाड़ी की स्पीड होनी चाहिए 20 और सेकंड गियर। आप 20 की स्पीड पे रहेंगे, सेकंड गियर पे क्लच छोड़ेंगे तो तुरंत चालू हो जाएगी, कोई झटके भी नहीं लगेंगे। तो अब मैं बंद नहीं करने वाला हूँ, यहाँ से है कुछ 123 इंदौर, तो अब डायरेक्ट घर पे रुकूँगा, गाड़ी बंद नहीं करूँगा। जैसे अभी चालू है ना, अब मैं गाड़ी चालू रखूँगा ही और घर पे ही बंद करूँगा, और फिर घर पे फिर से चेक करूँगा कि ये प्रॉब्लम फिर से वहाँ पे घर पे आती है कि नहीं आती है। नहीं तो यहाँ बीच में बंद करूँगा तो फिर धक्का मारना पड़ेगा मुझे, और यही मैं नहीं चाहता। तो घर पे चेक कर लेंगे, उसके बाद अब शोरूम नहीं ले जाऊँगा, अब मैं सीधे आरए से बुलाऊँगा या शोरूम वाले उठा के ले जाएंगे। बहुत हो गया, अब मैं देख चुका हूँ, दूसरी तीसरी बार हो रहा है लॉन्ग राइड पर। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं और पहुँचते घर। व्यान बहुत याद कर रहा है मुझे स्कूल लेने आना, तो मैं शायद पहुँच भी पाऊँगा, बज रहे हैं 12:50 और एक घंटे में शायद नहीं पहुँच पाऊँगा, तो थोड़ा लेट ही सही, 3 बजे पहुँच जाएंगे शायद हम लोग, 2 घंटा और। तो देखते हैं घर पे और फिर वो अपडेट करते हैं कि क्या हो रहा है। ओके गाइस, पहुँच गया हूँ मैं घर और ये मेरी बाइक चालू है अभी, अभी मैं बंद करता हूँ फिर देखता हूँ चालू होते कि नहीं। ये मैंने बंद किया, न्यूट्रल में है अभी, बंद है, ये चालू करके देखता हूँ। अभी तो हो गई है, तो थोड़ी देर में देखता हूँ फिर होती कि नहीं। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं पहुँच गया था कल और बाइक भी चालू करके देखी थी, बाइक चालू तो नहीं हुई थी, सॉरी बाइक चालू हो गई थी, तुरंत चालू हो गई थी, तो फिर मैंने ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, घर पहुंचा था, सब वेट कर रहे थे। तो अभी मैं बाइक के पास हूँ और रात भर हो चुका है, मतलब कल रात, कल शाम को दोपहर में पहुंचा था 3 बजे और फिर मैं गाड़ी बाइक लेके कहीं गया नहीं। तो अभी चेक करते हैं, मॉर्निंग हो चुकी है, रात भर ठंडी हो चुकी है और बिल्कुल कोल्ड हो चुकी होगी, तो अभी देखते हैं चालू होती कि नहीं। ये रही हमारी बाइक, बहुत गंदी हो चुकी है ये भी, तो ट्राई करते हैं क्या बोलता है भाई, बैटरी की प्रॉब्लम है या रास्ते में परेशान करना था मुझे। अभी सर्विस पे आ चुकी है, 1000 पे रीडिंग रहती है इसकी, 600 किलोमीटर चलाया है तो 400 की रेंज है सर्विस तक का, और ये चालू हो गई है, न्यूट्रल पे है और देखते हैं। ये देखो आवाज़ आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है अभी, ये देखो मैं यहाँ दबा रहा हूँ और यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। एक बार बंद करके चालू करते हैं, ये आवाज़ तो आई है, यहाँ पे भी ऑन है, अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पे आ जाए न्यूट्रल तो दिख रहा है, तो एक बार ट्राई करते फिर से, ये नहीं हो रही है फिर से, तो मतलब बाइक का कुछ इशू है। तो दिखाते हैं और अपडेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई थी इसमें, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और अपडेट करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में या स्टोरी पे या नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ मैं कि क्या प्रॉब्लम थी और क्या हो रहा था इसमें, क्या कर सकते हैं इसके लिए, लाइट का इशू, स्टार्टर का, बैटरी का, कुछ भी हो सकता है। तो इस ब्लॉग को यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई अपडेट के साथ। ओके बाय बाय, और हाँ भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत से बनाता रहता हूँ मैं भी, कोशिश कर रहा हूँ कुछ तो मोटिवेशन मिलते रहेगा मुझे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड्स वेलकम बैक, आज है 7 तारीख जनवरी
और जैसा कि आपको पता है कि मैं IBW से आया था तो मेरी बाइक बंद हो गई थी और धक्का मार के चालू कर रहा था गोवा से, और फिर बताया था कि आपको अपडेट करता हूँ, घर पे भी आई थी, चालू तो हो गई थी, नेक्स्ट टाइम बंद थी फिर चालू नहीं हुई। तो अभी चालू हो गई है क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो मिल गया फाइनली। मैंने सर्विस सेंटर पे दिया, उन्हें चेक किया पूरा और फिर बताया कि इसमें प्रॉब्लम थी बैटरी की, तो बैटरी रिप्लेस कर दी वारंटी में। और फिर मैं ट्रिप पे था तो टाइम नहीं मिला, मैं सिक्किम ट्रिप भी हो गया, पुणे से भी कल ही रात को आया हूँ, और आज अभी संडे है, पहला संडे साल का, तो आज राइड पे गया था ये भी चेक करने की भाई चल रहा है या नहीं चल रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे स्टार्ट की थी गाड़ी, तो हो गई प्रॉपरली स्टार्ट और कोई इशू नहीं आया, और पूरी राइड करके आ गया मैं कुछ 80 किलोमीटर्स, तो बाइक तो चल रही है, बैटरी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये अपडेट थी, ये रही मेरी बाइक, अभी भी हेलमेट यही है, राइडिंग पैंट सब चीज़, तो यही रही मेरी बाइक। बैग लेके गया था, हेलमेट, GoPro, आज तो बारिश भी हो गई, मस्त मौसम था, तो बैटरी चेंज की, मैं बताता हूँ बैटरी भी तो चेंज की हुई है, नई बैटरी डाली है, नई बैटरी BMW की बैटरी तो चेंज कर दी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है बैटरी से। उनको और भी बोला था कि बैटरी के अलावा कुछ चेक कर दो, तो उन्हें चेक किया, बोला कि नहीं सर बैटरी का इशू है। तो ये है अनलॉक, अभी भी सर्विस नहीं कराई मैंने, सर्विस कराना बाकी है इसलिए दिखा रहा है वो। ये किल स्विच मैंने ऑन किया, यहाँ पे आ गया, न्यूट्रल करता हूँ इसको, न्यूट्रल हो गई, पेट्रोल फुल है और चालू करते हैं, स्टार्ट हो गई है एक ही बार में, पहले बहुत क्रैंक होती थी, तो चालू हो गई है, नॉर्मल है सब चीज़। फिर से करके देखता हूँ, ये स्टार्ट हो गई है, तो ये बैटरी का इशू था, बैटरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो करेंगे हम नेक्स्ट राइड, सर्विस करवाना है सर्विस के बाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और कुछ को कह रही है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट राइड में नई लोकेशन के साथ, बाय बाय।